हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेवल टेलीस्कोप। कर्नाटक भारत के पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है। कर्नाटक पर कुदरत ने अपना भर भर के आशीर्वाद दिया है, तो आज इन्हीं को हम एक्सप्लोर करेंगे। कर्नाटक के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशंस, कर्नाटक के इन्हीं खूबसूरत हिल स्टेशंस के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। आपको यहाँ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्नाटक का सबसे फेमस और ऐतिहासिक हिल स्टेशन है नंदी हिल्स। नंदी हिल्स पहाड़ की चोटी पर है और वहाँ पर एक प्राचीन किला भी है। नंदी हिल्स बाइकर्स के बीच काफी फेमस है। इसके अलावा ट्रेकिंग का शौक रखने वाले नंदी हिल्स पहुंचकर हाइकिंग चैलेंज लेते हैं। नंदी हिल्स में आप टीपू सुल्तान का किला, टीपू ड्रॉप, नंदी हिल्स व्यू पॉइंट और झील जैसे बेहतरीन जगह पर परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर देश विदेश से घूमने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अगला है कुर्ग। कर्नाटक के सबसे खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशन में से एक है कुर्ग। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ की चोटी से घिरा है कुर्ग। अगर आप कुर्ग जाए तो आपको एबे फॉल्स, इरुपू फॉल्स, बारापोल नदी में राफ्टिंग और क्वाड बाइकिंग करना ना भूले। कुर्ग को दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर मेदिकेरे किला, एबे फॉल्स, ओमकारेश्वर मंदिर और ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य जैसी बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। अगला है चिकमगलूर। मुलायनगिरी श्रृंखला की तलहटी में बसा है। मुलायनगिरी हिल के बेस में ये बसा चिकमगलूर, जो चारों तरफ से पहाड़ और खूबसूरत सीनिक दृश्यों से भरा पड़ा है। चिकमगलूर बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। इसके अलावा आप वहां पर श्रृंगेरी मठ और हनुमान गुंडी फॉल भी जा सकते हैं। चिकमगलूर अपने अद्भुत नज़ारों के साथ साथ घुमावदार सड़कें और चाय और कॉफी के बगान के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ पर श्रृंगेरी मठ, मुल्यानगिरी पर्वत, कुद्रेमुख चोटी और गुंडी जलप्रपात के अलावा कॉफी बगान भी घूमने जा सकते हैं। अगला है अगुम्बे। कर्नाटक के उडुपी से 45 किलोमीटर दूर है अगुम्बे, जिसे दक्षिण भारत का चेरापुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। कर्नाटक का ये बेस्ट हिल स्टेशन है, अपने वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट और ढलान के लिए मशहूर है और टी फॉल्स के लिए बहुत ही फेमस है। अगुम्बे जाए तो कुडलू तीरथ फॉल और जोगी गुंडी फॉल देखना ना भूले। अगला है कोडा चादरी। समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोडा चादरी कर्नाटक के सबसे मशहूर ट्रेकिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। ये मैंगलोर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेकिंग करते हुए नहीं जाना चाहते हैं तो आप कोडा चादरी जीप से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ वेस्टर्न घाट और सूर्यास्त का नजारा बहुत ही देखने लायक होता है। कोडा चादरी वेस्टर्न घाट में स्थित है, जो अपने सनराइज और सनसेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोल्लूर मुकाम्बिका मंदिर है। यहाँ पर कई किले और वाटरफॉल्स हैं। यहाँ से बेंगलुरु एयरपोर्ट 164 किलोमीटर दूर और कुंडापुरा रेलवे स्टेशन करीब 68 किलोमीटर दूर है। ट्रेकिंग ट्रेल्स, खूबसूरत वाटरफॉल्स और नदियों से भरा कोडा चादरी हिल स्टेशन आपका मन मोह लेगा। कोडा चादरी तो मस्ट विजिट प्लेस है। अगला है बीआर हिल स्टेशन। बीआर हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। ये हनीमून प्लेस के लिए भी जाना जाता है। इस बीआर हिल्स को बिलीगिरी रंगनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बीआर हिल स्टेशन न्यू कपल्स द्वारा काफी पसंद किया जाता है। ये हिल स्टेशन लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप यहाँ पर फॉल्स, वाइल्ड लाइफ और मंदिरों का भी दर्शन कर सकते हैं। इस बीआर हिल स्टेशन को विजिट करने के बाद आप यहां पर कई सारे
एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। अगला है कुंददरी हिल्स। कुंददरी हिल स्टेशन सी लेवल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस हिल स्टेशन में आप जोग जलप्रपात, मत्तूर झील, साकरे बेलू हाथी शिविर और डब्बे जलप्रपात जैसी बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यहां पर आप ट्रेकिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज का भी आनंद उठा सकते हैं। अगला है सकलेशपुर। सकलेशपुर कर्नाटक के हसन जिले में पड़ता है। सकलेशपुर बेहद खूबसूरत वेस्टर्न घाट में स्थित है और ये कॉफी चाय मसालों की खेती के लिए मशहूर है। सकलेशपुर और कुक्के सुब्रमण्य रोड जंक्शन के बीच 52 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस रास्ते में कम से कम 25 वाटरफॉल्स पड़ते हैं। यहाँ से बेंगलुरु एयरपोर्ट 132 किलोमीटर की दूरी पर है और सकलेशपुर रेलवे स्टेशन नज़दीक है। आप यहाँ पर श्री अय्यप्पा स्वामी, श्री सकलेश्वर स्वामी, बेट्टा बीरेश्वर, कुक्के सुब्रमण्य जैसे मंदिर और शेट्टी हल्ली रोजरी चर्च के दर्शन कर सकते हैं। अगला है केम्मनगुंडी। इसे केआर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है जो चिकमगलूर जिले में पड़ता है। यहाँ हेब्बे फॉल्स, कलहटी फॉल्स जैसे खूबसूरत वाटरफॉल्स मौजूद है। यहाँ पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यहाँ 150 मीटर की ऊंचाई पर जी पॉइंट है भी है जहाँ से वेस्टर्न घाट्स के बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अगला है दांडेली हिल स्टेशन। दांडेली एक हिल स्टेशन है जो थ्रिल सीकर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। कर्नाटक में स्थित दांडेली रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और ट्रेकिंग करने के लिए पसंदीदा जगह है। दांडेली कर्नाटक राज्य का एक शहर है। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसमें पगडंडियों और घने जंगलों के साथ काले पैंथर, बंदर और हाथी सहित जानवरों के साथ साथ कई पक्षियों की प्रजातियों का घर है। गुफाओं के पश्चिम में राष्ट्रीय उद्यान में काली टाइगर रिजर्व शामिल है। वैसे तो मौसम साल भर सुखद रहता है लेकिन दांडेली घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक है। दांडेली में गर्मियों में अधिक गर्म नहीं होता है क्योंकि एवरेज टेम्परेचर लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस मौसम में काफी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो ये थे कर्नाटक के बेहतरीन हिल स्टेशंस जहाँ आप सुकून के साथ अपना समय बिता सकते हैं और एडवेंचर का भी मजा ले सकते हैं। इन हिल स्टेशंस पर आप हरियाली भरे पहाड़, पहाड़ों की सुंदरता, बागान, झरने, खूबसूरत नदियों को देख सकेंगे और वन्य जीव अभयारण्य भी घूम सकते हैं और ट्रेकिंग और सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। तो इतने रोमांच से भरे ट्रिप का मज़ा आप उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए और अमेजिंग कर्नाटक को ज़रूर विजिट कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।